आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम बनाएंगे चने की घुगनी, जिसके लिए कढ़ाई गरम करके इसमें थोड़ा सा एक पिंच हींग डालना है। हाफ स्पून जीरा, गार्लिक लहसुन हाफ टी स्पून, मिर्ची हाफ टी स्पून, इसको थोड़ा चटकने दें। उसके बाद प्याज डालना है लंबे लंबे स्लाइस किए हुए, इसको फिर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। प्याज को ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस हल्का सा पका लेना है, हल्का ब्राउनिश आने तक, बहुत ज़्यादा इसको रेड नहीं करना है। हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, मिक्स कर लीजिए इसको। अब इसको मिक्स करने के बाद हल्का हल्का ये ब्राउन हो चुका है, हल्का का रेडिश हो चुका है, बहुत ज्यादा इसको लाल नहीं करना है। ये लगभग मैंने 5 मिनट पकाया है इसको धीमे आंच पे। अब ये बॉयल चना है, इसको इसमें मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। नमक स्वाद अनुसार, अगर आपको नमक कम पसंद है तो कम डालिए, मिर्च भी अगर आपको कम पसंद है तो कम डालिए। अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। थोड़ा सा गरम मसाला हाफ टेबल स्पून से भी कम, इसको धीमे आंच पे धीमे धीमे पकाना है ताकि ये थोड़ा क्रंची हो सके। इसको थोड़ा ढक दीजिए और 5 मिनट पकने दीजिए। ये हल्का सा क्रंची हो चुका है, 5 मिनट बाद जब आप धीमे पकाएंगे तो ये क्रंची हो जाएगा। ये चाट मसाला है, थोड़ा सा आधा टेबल स्पून चाट मसाला ऊपर से इसको स्प्रेड कर देना है। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आपका चटपटा टेस्टी कुरकुरे क्रंची चना मसाला तैयार है। इसको आप चाय के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।